हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, और हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं अभी सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Situation क्या है? आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। कब? 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था, और आज से 3 साल बाद वो अपनी बेटी के एज का 3 गुना रह जाएगा। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है आपको। ओके, तो शुरुआत करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए और उसमें कहा जाए कि हाँ इतना दिन पहले एजेज के बीच ये रिलेशन था और इतना दिन के बाद एजेज के बीच ये रिलेशन होगा, इस तरह के जब क्वेश्चंस हो तब आप एज्यूम करेंगे प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, आफ्ताब और उसकी डॉटर। तो एज्यूम कीजिए कि आफ्ताब का एज जो है वो एक्स ईयर्स है और उसकी डॉटर का एज वाई ईयर्स है। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years ago आफ्ताब वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना रहा होगा? अभी कितना है आफ्ताब का एज? एक्स। तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज रहा होगा एक्स माइनस 7, और 7 साल पहले उसकी डॉटर का एज क्या रहा होगा? 5 माइनस 7। एंड आफ्ताब वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। आफ्ताब वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, राइट? तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49 इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या होने जा रहा? आज से 3 साल बाद आफ्ताब का एज होगा एक्स प्लस 3 और उसकी डॉटर का एज होगा वाई प्लस 3। और आज से 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी के एज का 3 गुना हो जाएगा। ये अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स 3y प्लस 9 इंप्लाइज दैट x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशंस बने, और यही है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर पर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है आपको प्लॉट करना पड़ेगा, और वो आप लोग जानते हैं, कर सकते हैं आप लोग खुद से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 bats एंड 6 balls फॉर रुपी 3900। 3 bats एंड 6 balls फॉर रुपी 3900।
Letter. She buys another bag. Another bag means one bag more. One bag more. And three more balls. 4 rupees. 1300. Represent this situation algebraically and graphically. Graphically तो मैं अभी नहीं करने वाला, इसका algebraic representation मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ. तो यहाँ देखिए क्या है, things, objects. और जब भी objects हो उनके price की बात की जाए तो आप लोग one object का है ना, each object, हर एक object का जो है price आप लोग assume करेंगे. तो यहां पर क्या क्या है ऑब्जेक्ट, बैट है और बॉल है. एक बैट का प्राइस रुपी एक्स अज्यूम कर लेते हैं और एक बॉल का प्राइस रुपी वाई अज्यूम कर लेते हैं. लेट प्राइस ऑफ इच बैट बी रुपी एक्स एंड दैट ऑफ इच बॉल बी रुपी वाई. According to question, three bats and six balls. एक बैट का प्राइस है रुपी एक्स, तो तीन बैट का थ्री इंटू एक्स, राइट. और एक बॉल का प्राइस है रुपी वाई, तो सिक्स बॉल्स का प्राइस सिक्स वाई एंड टोटल प्राइस 3900. This is equation one. Second condition, एक बैट और तीन बॉल. तो algebraically मैंने इस क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट कर दिया. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5. हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से, उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है और इसका पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर होता है टू होल एल प्लस बी, तो उसका हाफ हो जाएगा एल प्लस बी. तो पेरीमीटर का हाफ जो है वो है कितना है 36 मीटर. ओके, तो पता करना है आपको डायमेंशंस. डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ. तो एज्यूम कर लेते हैं लेंथ को एल और ब्रेथ को बी. लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एल मीटर एंड ब्रेथ बी बी मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा कितना है 36 मीटर. पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू होल एल प्लस बी, ये कितना है 36 मीटर. एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 एंड लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ. ये हो गया इक्वेशन टू. इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कीजिए तो बी कैंसिल. एल प्लस एल 12 इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40 मिला आपको. इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपको मिला 2L इक्वल टू 40, इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 20. ओके, और फिर L का जो वैल्यू है यहां पुट कीजिए, 20 पुट करते हैं तो B का वैल्यू कितना मिलता है 16. ओके, तो ये जो है डायमेंशंस है, लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 16 मीटर. लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ
10 मीटर, ये आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 से दो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का 5। 3 का 1 क्या है, दो नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है दूसरे का तीन गुना है। क्लियर है कि एक बड़ा है छोटा है। तो नंबर्स जो है एज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और इनमें से एक बड़ा है तो मान लेते हैं एक्स जो है वो बड़ा है वाई छोटा है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस 26, बड़ा माइनस छोटा, एक्स बड़ा है उससे छोटा नंबर जो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको मिलेगा 26, इक्वेशन वन। और एक नंबर जो है दूसरे का तीन गुना है, एक्स इज 3 टाइम्स वाई, ये हो गया इक्वेशन टू। इसे थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इसके जैसे फॉर्म एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन टू रहा। अब क्या करें, इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए तो एक्स माइनस एक्स 0 माइनस वाई माइनस माइनस 3y, यानी माइनस वाई प्लस 3y क्या मिलेगा आपको 2y। उसके बाद 26 माइनस 0, 26 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 13, और y की इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला आपको 39। सो द नंबर्स आर 13 एंड 39। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे क्या है, एक फ्रैक्शन है, यदि उसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, और यदि नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो आपको पता करना है कि फ्रैक्शन क्या है। अब यहाँ पे तो अननोन केवल आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन जरा सोचिए फ्रैक्शन में क्या होता है, नंबरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आए तो वहां पर आप लोग एज्यूम करेंगे नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, नंबरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई। लेट द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, शो द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फ्रैक्शन के नंबरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, ये फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, नंबरेटर में भी 2 ऐड कर दिया गया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया गया, तब ये फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, यहां से आपको मिलेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ये रहा इक्वेशन 1। उसके बाद यदि नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाए तब ये फ्रैक्शन हो जाता 5/6। नंबरेटर में भी 3 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए तो ये फ्रैक्शन हो जाता 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, इम्प्लाइज दैट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ये रहा इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं, इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया 11 × 5 55x और ये माइनस 45y इक्वल टू माइनस 20, और यहाँ पर 54x माइनस 45y इक्वल टू माइनस 27, और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता है
ये कैंसिल आउट, ये मिला आपको x और ये मिला आपको प्लस 7। x के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो ये है आपका 11 × 7 77। इसे आप लेकर के आइए RHS में, 77 + 4 = 81, और 9y को आप RHS में भेजिए, 9 से 81 9 times में कैंसिल आउट हो जाता है, डिवाइड हो जाता, तो इस तरीके से आपको y इज इक्वल टू मिलता है 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन था x अपॉन y, x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू है 9, तो फ्रैक्शन आपको मिलता है 7/9। ये रहा आंसर, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। चलिए बिना पढ़े मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। टैक्सी चार्ज इस तरीके से लिया जाता है जिसमें कि एक फिक्स चार्ज है और जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसके हिसाब से चार्ज पर किलोमीटर लिया जाएगा। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए किसी को 105 रुपी पे करना होता है, और वही 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 155 रुपी पे करना होता है। अब पूछा जा रहा है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और डिस्टेंस कवर जो करते हैं उसके लिए पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। उसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना फेयर पे करना होगा। तो फिक्स्ड चार्ज को रुपी एक्स अज्यूम कर लेते हैं, और फेयर पर किलोमीटर जो डिस्टेंस के हिसाब से जो फेयर लिया जा रहा है उसे हम लोग वाई अज्यूम कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपी एक्स एंड द फेयर पर किलोमीटर बी रुपी वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 105 रुपी पे करना है, तो एक्स रुपए उसने पे किया होगा जो कि फिक्स चार्ज है, और प्लस क्योंकि उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो y रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दिया होगा, तो 10 × y, और ये दोनों मिलकर के कितना रुपए बनाते हैं 105। ये रहा इक्वेशन 1। उसके बाद 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 155 रुपए फिक्स्ड चार्ज x, और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए y रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से 15 y, ये सब मिलकर के कितना 155। ये रहा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, 15 y - 10 y 5 y, 155 - 105 50 implies that y is equal to 10, और यदि y का वैल्यू 10 है इसे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां तो x का वैल्यू आपको मिलता है 5। ओके, तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो है रुपी 5, और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो है रुपी 10। फिक्स्ड चार्ज इज रुपी 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपी 10। ओके, अब कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना फेयर पे करना होगा। ऐसा करते हैं 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसमें जो फिक्स्ड चार्ज है वो दो बार ऐड हो जाएगा, राइट? फिक्स्ड चार्ज जो है वो एक ही टाइम एक ही बार ऐड करना, ओके? तो इसलिए जो है हम लोग उस हिसाब से नहीं करेंगे काम, है ना? फेयर फॉर 25 किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज x प्लस 25 × y
वाई रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का कितना होगा 100 और प्लस में फिक्स्ड चार्ज एक्स। फिक्स्ड चार्ज एक्स कितना मिला है 5 और 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10। कितना पे करना होगा 255 रुपी। ओके तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे। यहां पर दो प्लेसेस हैं ए और बी जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार स्टार्ट होती है ए से और दूसरी कार स्टार्ट होती है बी से। यदि वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करें इस तरीके से तो कहां मिलेंगे दोनों? इधर कहीं किसी पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट सी पर मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो 5 घंटे में मिलते हैं। 5 घंटे बाद ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं। क्लियर है? इसका स्पीड कम रहा होगा और इसका स्पीड ज्यादा रहा होगा। ओके इसके स्पीड को आप एज्यूम कर लीजिए एक्स किलोमीटर पर आवर और इसके स्पीड को आप एज्यूम कर लीजिए वाई किलोमीटर पर आवर और एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। ओके तो ये बी से चलने वाली कार जो है वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से धीरे 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 चल रही है। ओके और ए से चलने वाली कार जो है वो तेजी से चल रही है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पॉइंट सी पर जाकर के 5 घंटे बाद पॉइंट सी पर जाकर के जो है बी को कैच कर लेती है। ओके उस तक पहुंच जाती है। और यदि स्पीड यही रहे जो इन दोनों का है लेकिन दोनों यदि एक दूसरे की ओर आए अपोजिट डायरेक्शन में तब ए से चलने वाली कार एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही इधर जा रही है और बी से चलने वाली कार अपने उसी स्पीड से वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही ए की ओर आ रही है। ओके ए से चलने वाली कार बी की ओर और बी से चलने वाली कार ए की ओर, तब ये दोनों यहां कहीं पॉइंट सी पर मिलते हैं। कितने देर बाद? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे बाद। तो आपको बताना है कि दोनों का स्पीड क्या है। स्पीड तो मैंने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया? एक्स और वाई। लेट द स्पीड्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके अब देखिए ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है। 5 घंटे तक ये कार एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है तो पॉइंट सी तक पहुंचती है। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है? आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? तो यदि एक कार एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटे तक चलती रहती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स और इंटू टाइम 5 आवर, राइट? यहां पे जो स्पीड है एक्स एंड वाई केवल नहीं एज्यूम करना है, हमें एक्स किलोमीटर पर आवर और वाई किलोमीटर पर आवर एज्यूम करना है। ओके ओके
तो ए से सी का जो डिस्टेंस है वो है ए सी 5x और बी सी कितना है ये का और वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटे तक चलती है तब वो पॉइंट सी पर पहुंचती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 5y। और अब फिगर देखिए, एसी से यदि बीसी को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, फिगर को देखिएगा ध्यान से, एसी जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बीसी को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो कितना मिलेगा एबी यानी कि 100 किलोमीटर। एसी माइनस बीसी इज इक्वल टू एबी। एसी इज 5x, बीसी इज 5y इज इक्वल टू 100, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये रहा इक्वेशन 1। डन। अब इस पे आते हैं, 1 घंटे तक कितना स्पीड से x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ये डिस्टेंस एसी कितना है x इंटू 1 x किलोमीटर, और यहां भी मैं किलोमीटर ले लिख लूं, और बीसी कितना है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 घंटे तक 5 किलोमीटर। और फिगर देखिए, एसी प्लस बीसी इज इक्वल टू एबी। एसी प्लस बीसी इज इक्वल टू एबी यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए, वाई वाई कैंसिल आउट, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स 20 प्लस 100 120 implies that x is equal to 60 and y is equal to x plus y equal 100, x is 60 then y is equal to 40. So the speeds are 60 km per hour and 40 km per hour. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल 19। बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट का जर्नी है, इसमें ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और इस दौरान उसे टोटल जो समय लगता है वो है 10 आवर्स। फिर उसके बाद है, इन 13 आवर्स 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और इसके लिए जो समय लगता है वो है 13 घंटे। ओके, तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है शांत पानी में स्टील वाटर में बोट की स्पीड क्या है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले अज्यूम कीजिए ये दोनों, लेट अ स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड अ स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, देखिए यदि आप लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसे अप बोलते हैं, ठीक है, और सीढ़ी से उतरते हैं तो इसे बोलते हैं डाउन। ओके, देखिए नदी का जो बहाव है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, यानी कोई जगह ऊंचाई पे है वहां से पानी जो है नीचे की ओर आता है, तो
तो अस्ट्रीम का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड है। अब यदि आप अस्ट्रीम के अगेंस्ट जाते हैं तो इसका मतलब आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, इसे आप लोग कहेंगे अप स्ट्रीम। यदि आप अस्ट्रीम के अगेंस्ट जाते हैं, रिवर अस्ट्रीम जो है, जो रिवर करंट है उसके अगेंस्ट यदि आप जा रहे हैं तो ये कहा जाएगा अप स्ट्रीम। और यदि आप रिवर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अस्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप अस्ट्रीम के साथ उतर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा डाउन स्ट्रीम। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करेंगे, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, और उस हिसाब से जब आप लोग अप स्ट्रीम, बोट का स्पीड अप स्ट्रीम लिखा जाएगा, तो उसमें आप बोट के स्पीड से स्ट्रीम के स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जब डाउन स्ट्रीम में स्पीड लिखा जाएगा तब दोनों के स्पीड को ऐड कर लिया जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इट इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, ये बोट का एक्चुअल स्पीड है, स्टील वाटर में स्पीड है, और ये स्ट्रीम का स्पीड है। ओके, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोट जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड अप स्ट्रीम में कितना है, एक्स माइनस वाई, तो इतना टाइम लगा होगा। और साथ ही साथ एक ही जर्नी है, एक ही जर्नी में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी जाना है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाना है, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इतना समय लगा होगा और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा होगा, 44 अपॉन स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम मिला। इन दोनों टाइम को यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल टाइम कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 आवर्स। ओके, तो ये रहा आपका इक्वेशन वन। और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना देर समय लगा, 13 घंटे। यू और वी में कन्वर्ट करना होगा, ये हो जाएगा आपका 30 यू प्लस 44 वी इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 40 यू और ये 55 वी इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एक्स और वाई का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता चल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज मैं आगे आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है और यदि उस काम में 2 वीमेन और 5 मेन लगाए जाएं तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट होता है, और यदि 3 वीमेन और 6 मेन लगाए जाएं तो वो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पता करना है कि यदि एक वुमन को अकेले लगाया जाए तो वो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकती है, और एक आदमी जो है उस काम को अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन एक्स डेज एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन वाई डेज। ओके, अब देखिए यदि
एक औरत इस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकती है, तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा होगा? वन अपॉन एक्स पार्ट इन वन डे, राइट। और यदि एक आदमी इस काम को वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? वन अपॉन वाई पार्ट इन वन डे, ओके, राइट। अब देखिए, तो दो औरतों को लगाया जा रहा, दो महिलाओं को लगाया जा रहा है यहां पर, तो कितना काम होगा एक दिन में? एक दिन में एक महिला वन अपॉन एक्स पार्ट कर सकती है, तो दो दिन में सॉरी दो महिलाएं तो इंटू वन अपॉन एक्स, राइट। और पांच आदमी कितना काम कर सकता है? यदि वो एक दिन में एक आदमी वन अपॉन वाई पार्ट कर सकता है, तो पांच आदमी एक दिन में फाइव इंटू वन अपॉन वाई पार्ट काम कर सकता है, इतना काम का हिस्सा होगा, राइट। देखिए, तो ये सब मिल करके दो महिलाएं और पांच पुरुष मिल करके इस काम को चार दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में ये सब मिल करके कितना काम करते हैं? वन अपॉन फोर पार्ट इन वन डे, राइट। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? वन अपॉन फोर के इक्वल। तो यहां से आपको मिला टू अपॉन एक्स प्लस फाइव अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। फिर से दो औरतें पांच आदमी मिलकर के एक काम को चार दिन में कंप्लीट करता है। हमने मान लिया कि एक औरत जो है, एक महिला एक दिन में इस काम को अकेले कंप्लीट कर सकती है, तो एक दिन में कितना हिस्सा काम का करेगी? वन अपॉन एक्स। और उसी तरीके से एक आदमी जो है एक दिन में वन अपॉन वाई करेगा, राइट। अब एक दो महिलाएं और पांच पुरुष मिलकर के इस काम को चार दिन में पूरा करते हैं, तो दो महिलाओं को और यदि पांच पुरुषों को एक साथ लगाया जाए, तो एक दिन में काम कितना पूरा होगा? वन अपॉन फोर पार्ट, ठीक है। तो दो महिलाओं को लगाया गया, उनसे कितना काम निकला? वन अपॉन एक्स एक महिला ने निकाला और दोनों मिलकर के टू इंटू वन अपॉन एक्स, राइट। और फिर पांच पुरुषों को लगाया गया, एक पुरुष जो है काम का इतना हिस्सा निकाल सकता है, तो पांच पुरुष मिलकर के फाइव इंटू वन अपॉन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। और ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना पूरा कर रहे हैं? वन अपॉन फोर पार्ट। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर से आप लोग यहाँ वन अपॉन एक्स को यू एज्यूम कर लेंगे, वन अपॉन वाई को भी एज्यूम कर लेंगे, वो मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, ओके। अगेन, अब दूसरा जो कंडीशन है, इसमें थ्री वुमेन है, तो थ्री अपॉन एक्स और सिक्स मेन सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू थ्री डेज, यानी एक दिन में कितना? वन अपॉन थ्री पार्ट वन थर्ड। ये रहा इक्वेशन टू। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके अलग अलग टाइम पता कर सकते हैं कि एक महिला अकेले कितना समय लगे इस काम को पूरा करने में, और एक पुरुष जो है इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आई होप मैंने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे उनका एक एक सैम्पल जो है, जितने भी टाइप्स थे उन सब का एक एक सैम्पल मैंने करा दिया है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।